मैंने पहली बार अपनी खुली आंखों से एक सपना देखा। एक पर्सन आए थे मेरी जिंदगी में और उन्होंने मेरे को पहली बार खुली आंखों से सपना दिखाया था। उनके कुछ वर्ड्स मुझे अभी भी याद है। उन्होंने बोला, क्यों जमीन पर बैठ के आसमान को देखता है ये जहां तो सिर्फ उड़ान को देखता है। आज आप मुझे सुन रहे हो ना, क्योंकि थोड़ी बहुत उड़ान है, वरना नहीं सुनोगे। ये जहां तो सिर्फ उड़ान को देखता है। अपनी तकदीर तो खुद बना, क्योंकि दुनिया वो बदलता है जो अपनी आंखों में तूफान को देखता है। आज आप लोग जो ये कहानी है इसका मैसेज समझना, आपके भी यहां पे लगेगी। और यहीं पे यहां पर से कुछ ऐसे लोग निकलेंगे जो इतिहास रच देंगे। एक कहानी है ये, एक महावत की। महावत वो होता है जो हाथी को पालते हैं, उन्हें महावत कहते हैं। एक बार एक महावत एक जंगल से एक हाथी के बच्चे को लेके आता है। और छोटा सा बच्चा होता है, हाथी का छोटा बच्चा भी इतना बड़ा होता है। वो एक हाथी के बच्चे को लेकर आता और उसे लाके अपने घर के बरामदे में एक पेड़ से लोहे की जंजीर से, मोटी सी जंजीर से बांध देते। अब वो हाथी का बच्चा बहुत मेहनत करता है, बहुत कोशिश करता है, बहुत जतन करता है कि वो उस जंजीर को तोड़ दे, बट वो तोड़ नहीं पाता। वो एक महीना मेहनत करता है, दो महीना करता है, तीन महीना करता है, छह महीना करता है, साल भर के बाद आके वो थक जाता है। अब वो ये मान लेता है, जोर दीजिएगा, वो मान लेता है कि मैं इसे नहीं तोड़ सकता। अब महावत उसे सिर्फ एक पतली सी रस्सी से बांध देता है। अब वो कोशिश ही नहीं करता, अब वो कोशिश ही नहीं करता। अब उसे पता है कि मैं इसे तोड़ नहीं पाऊंगा, मैंने बहुत कोशिश की। अब धीरे धीरे वो हाथी बड़ा होने लगता है। उस पेड़ से जब उसे बांध दिया जाता है, उसके एक सर्कल बन जाता है और वो सर्कल उसका कंफर्ट जोन बन जाता है। उस कंफर्ट जोन में ही महावत उसे खाने के लिए देता है, उसी कंफर्ट जोन में उसके लिए कुआं होता है जिससे वो पानी पी लेता है, वो उसी कंफर्ट जोन में घूमता रहता है। जब महावत उसे कहीं लेके जाता है सिर्फ वो तभी निकलता है, वरना वो अपनी जगह पे शांत रहता है। और धीरे धीरे हाथी बड़ा हो जाता है। अब जब हाथी बड़ा हो जाता है तो उसमें इतनी ताकत आ जाती है कि वो रस्सी तो छोड़ो, एक झटके में पेड़ को उखाड़ सकता है, पर वो करता नहीं। बताओ क्यों? क्योंकि उसके कान में आके कोई ये नहीं बोलता कि तू कर सकता। आज आप लोग भी उस हाथी की तरह हो। जब हम छोटे थे तो क्या हम नहीं बोलते थे, मैं अंबानी की तरह बनूंगा, मैं रिलायंस का मालिक बनूंगा, मैं बड़ी बड़ी गाड़ियां लूंगा, मैं यहां में घूमने जाऊंगा, मम्मी पापा मैं आपके लिए ये करूंगा, क्या नहीं बोलते थे? हर बच्चा बोलता है, बट उसको उसी तरीके से जंजीर से बांध दिया जाता है, कंफर्ट जोन बना दिया जाता है, सोच को छोटा कर दिया जाता है कि भाई तू नहीं कर सकता। और जब आज हम बड़े हुए हैं, आज हमारे पास पावर्स है, हम कुछ भी कर सकते हैं, दुनिया बदल सकते हैं, तो कोई हमारे कान में कहने वाला नहीं कि हम कर सकते हैं। पहली बार हो सकता है हाथी को अगर बोला जाए कान में, वो एक झटका हमारे पेड़ हिले, दूसरी बार हमारे थोड़ा और हिले, तीसरी बार वो पूरा पेड़ उखाड़ दे, आप भी ऐसे कर सकते हो। बट आपको बताएगा कौन? आज मैं आपको बता रहा हूं, आपके कान में आप कर सकते हो। हनुमान जी हम पूजा करते हैं ना, जब वो बड़े हो गए थे उन्हें अपनी पावर्स के बारे में नहीं पता था, उन्हें नहीं पता था कि वो पूरा समुद्र लांघ सकते हैं। जामन जी ने उनके कान में बोला कि तुम कर सकते हो, और फिर उन्होंने उनकी बात भी मानी। मैं बोल रहा हूं आधा काम हुआ है, आप मान रहे हो पूरा काम हो गया, अगर आप नहीं मानोगे तो फिर आधा काम हुआ है। मैं बोल रहा हूं आप कर सकते हो, आप मान लोगे मैं कर सकता हूं तो कर सकता हूं, कुछ भी कर सकते हो। अगर इस दुनिया में किसी भी इंसान के पास वो चीज है जो आपको चाहिए, अगर वो कर रहा है जो आपको करना है, अगर वो वैसी लाइफ जी रहा है जैसी आपको जीनी है, तो आप भी जी सकते हो, आप भी जी सकते हो।
जाने के बाद फिर आपको वही दुनिया मिलेगी, वही बैकग्राउंड मिलेगा, वो लोग आपको बोलेंगे, वो कान में नहीं बोलेंगे, चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे तू नहीं कर सकता, तेरे बस की नहीं है। और मैं बोल रहा हूं आप कर सकते हो, आप देखो आपको किसकी माननी है। मैं अकेला हूं, बाहर हजारों लोग होंगे, मोटिवेटर्स कम है, इंस्पायर करने वाले लोग कम है, आगे बढ़ाने वाले लोग कम है, पैर खींचने वाले दुनिया है, आपकी टांग खींचने वाली दुनिया है, आपको रोकेगी कि तू नहीं कर सकता, तेरे बस की नहीं है। वो कुछ लकी लोग होते हैं जो जुपिटर से आते हैं वो कर पाते हैं, वो देखने में इंसान की तरह होता है बट इंसान के बच्चे नहीं होते। आपको ऐसा लगता है? आपको किसकी बात माननी है? मेरी भी नहीं, अपने आप की। आपको उनकी बात भी नहीं माननी, आपको मेरी बात भी नहीं माननी, आपको अपने आप की बात माननी है। अगर मुझे एक बार एक गुरुजी ने बोला था, अगर तेरा दिल कह रहा है ना तो बस कर, क्यों कभी कभी हमारा दिल सही कह रहा है। सचिन तेंदुलकर को भी किसी ने बताया था कि तू कर सकता है, किसी ने उस पर भरोसा दिखाया था, भरोसा दिखाने वाले लोग कम होंगे, भरोसा दिखाने वाले लोग कम होंगे। यहां से जाते ही फिर से वही सारे फ्रेंड्स, अरे हमारी एज में क्या बोलते हैं लड़के, यार वो लड़की से बात नहीं होगी, तो सुट्टा मारने सुन रहे, वही है, सेम है भाई, सेम डिट्टो, जो मैं बोल रहा हूं यही होता है, नहीं होता सेम है, होता है ना आपके साथ, वही लोग मिलेंगे। आपको देखना है किसके साथ टाइम स्पेंड करना है, किसकी बात सुननी है। कितने लोगों को आज लगता है कि हम कर सकते हैं, से मैं कर सकता हूं, बोलो मैं कर सकता हूं, सब नहीं बोल रहे से मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा। जो लोग हंसेंगे ना आज, जो लोग, ये मेरा एक्सपीरियंस है, आज जो लोग आपके हंसेंगे वो कल आपके लिए तालियां बजाएंगे, 100% बजाएंगे, ये मेरा एक्सपीरियंस।